हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे पालक के पकोड़े। आपने कटी हुई पालक के पकोड़े और साबुत पालक के पकोड़े दोनों ही खाए होंगे, पर जो आज हम पकोड़े बनाएंगे वो कुछ तो अलग है और टेस्ट में तो बेस्ट है ही। तो पालक के पकोड़े बनाने के लिए हमें आलूओं की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉयल करके उसे अच्छे से मैश कर दिया है। तो अब इसमें जाएंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसके साथ ही हम डालेंगे यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून हींग और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए, तो अब इस मिक्सचर को रखते हैं साइड में और अब हम तैयारी करेंगे बेसन के बैटर की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप बेसन, और बेसन में कुछ ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे कि पकौड़ा का स्वाद दुगना हो जाएगा, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और फिर ये मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार और 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हमेशा हम अपने हाथों से क्रश करके डालें तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। और पकौड़ों को हम थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए डालेंगे 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं हो तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा भी नहीं हो और कॉर्नफ्लोर भी नहीं हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इसमें जाएगा 2 चुटकी मीठा सोडा और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा डालना। अब डालेंगे अपना इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है कि मैंने इसमें इमली का थोड़ा सा पानी डाला है। इसमें मैंने थोड़ी सी इमली को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर उसका पानी निकाल दिया था। अब इसे डालकर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और बना लेंगे थिक सा बैटर। अगर हमारा बैटर ज़्यादा पतला हो गया तो इसकी कोटिंग अच्छे से नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा सा बैटर हमें थिक ही चाहिए। देखिए, इस तरह से थोड़ा थिक होना चाहिए। मैंने पालक के पत्तों को पहले से ही धो के रख दिया था। अब हमें एक पालक का पकौड़ा बनाने के लिए 2 इक्वल साइज़ के पत्ते लेने होंगे। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया तो चलेगा। और अब हम एक पालक के पत्ते के ऊपर ये जो आलू का मिक्सचर है उसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उसके ऊपर रखेंगे दूसरी पालक का पत्ता और उसे थोड़ा सा प्रेस करके उसे चिपका देंगे। यकीन मानिए, ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि हमने जो इसमें बैटर में जो इमली का पानी डाला था उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए, ये जो मैंने पालक के पत्ते हैं वो सारे इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और इन पकौड़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं भी आपके लिए ट्राई करूँगी कि कुछ यूनिक और इंस्टेंट रेसिपी लाने की। तो लीजिए, हमारे गर्मा गर्म पकौड़े सर्व करने के लिए रेडी हैं।